Assalamu alaikum students. Today I am going to give you the lecture of science of class 6. Our topic is properties of light. और आज हमने reflection की बात करनी है. There are two types of reflection. First one is regular reflection and second one is diffuse reflection. Regular reflection वो है कि जब भी किसी surface पे parallel light strike करती है किसी भी shiny surface पे, जैसे कि glass हो सकते हैं, water हो सकते हैं या पॉलिश मेटल हो सकता है, तो वो पैरेलल ही रहती है, वो एक डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. और इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या स्पेक्टुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. इसके जब भी किसी मीडियम पे लाइट अटक आएगी, जैसे कि एक एग्जांपल, ये लाइट अटक आई है, मींस इट्स प्योर है और ये एक ही रिफ्लेक्शन में बाउंस करेगी, या मींस के एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये नहीं रिफ्लेक्ट हुई, सिर्फ सिंगल रिफ्लेक्शन हुई है इसकी. और आगे से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होती है कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट अप्लाई, वो सरफेस अनइवन हो सकती है या रफ हो सकती है, जैसे कि कीबोर्ड हो सकते हैं, पेपर्स वगैरह हो सकते हैं, जब उन पे लाइट अप्लाई है तो लाइट जो है वो पैरेलल नहीं रहती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. जैसे ये इमेज है, इसमें क्लियर किया गया है कि ये अनइवन सरफेस है, मीन्स जब ये भी सरफेस है और इसमें जब लाइट टकराई है तो वो एक सीधे डायरेक्शन में, जैसे टकराई है उसी में नहीं गई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट की गई है. एग्जाम्पल इसमें हम वाटर की ले लेते हैं कि वाटर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्शन जब उस पर लाइट फॉल करती है स्मूथ सरफेस पे, जिसमें जब वाटर स्टील हो जब उस पर लाइट फॉल करेगी तो रिफ्लेक्टिव रेज जो होगी वो एक ही ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स के वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होगी, सिंगल उनका जो है मैनर ऑर्डर ही होगा. और जब वही वाटर, मीन्स के जब वाटर फ्लो कर रहा होगा तो जो रिफ्लेक्टिव रेज है वो हर डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स और डिफरेंट डायरेक्शन, जब उन पर लाइट टकराएगी, वाटर पर लाइट टकराएगी तो वाटर जब मूव कर रहा होगा तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी. उमिंग वाटर जो है वो हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की टाइप देगा और जो स्टीम वाटर मीन्स के जो खड़ा पानी है वो हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देगा. उसके बाद है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम जो है वो नॉन लिनियर सब्जेक्ट्स को देखने के काबिल होते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. डेली लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं वो डायरेक्टली उन पर लाइट नहीं पड़ती, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से जब लाइट डस्ट पार्टिकल्स पे फॉल करती है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा धूप में जब उस पर लाइट फॉल करती है तो वो स्कैटर हो रहे होते हैं, मीन्स के वो ऐसे लग रहा होता है कि वो मूव कर रहे हैं और तब हम देख सकते हैं. लेकिन अगर डार्क में ऐसे लाइट फॉल कर रहे होंगे और हमें वो नजर नहीं आते क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट्स हैं, वो अपनी लाइट में प्रोड्यूस कर सकते हैं खुद से, तो वो हमें नजर नहीं आते. लेकिन जब उन पर लाइट पड़ती है तो तब वो हमें नजर आते हैं हमारे एनवायरमेंट. और ये जो है वो हर डायरेक्शन में स्कैटर होते हैं, वो आने वाले जो पार्टिकल्स हैं ना स्कैटर हो जाते हैं. आपने कभी खुद से ऑब्जर्व किया होगा कि सनलाइट में आप देखें तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. और हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब सूरज नहीं होता, मीन्स की जब सनलाइट नहीं होती है और जब उस पर पहले मीन्स के सूरज निकलने से पहले भी चीज़ें देखते हैं और सूरज निकलने से बाद भी देखते हैं. और ये किसकी वजह से हम देख सकते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि जो लाइट है वो आने वाली स्प्रेड हो रही होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं. आगे हमने पढ़ना है मिरर्स. मिरर्स की टू टाइप्स, एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर है. आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर्स वो हैं कि जिनकी स्मूथ सरफेस होती है और फ्लैट होती है और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन देते हैं, मीन्स के जब इन पर लाइट फॉल करेगी उनकी सरफेस पे तो वो एक सिंगल मैनर में ऑर्डर होगा अपना रिफ्लेक्शन का, मीन्स के वो जैसे ही वो फॉल करेंगे, जैसे कि ये है जैसे वो फॉल करेंगे वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की तरह नहीं है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है. ये क्यों ऐसा क्यों होता है? ये जो फ्लैट उनकी मिरर, जैसे कि हमारे घर में जो मिरर्स हैं उनका भी आपने देखा होगा कि उनकी दूसरी साइड का एक तो हमें इमेज दिखाना होता है, जो दूसरी साइड होती है उनकी वो मेटल से बनी होती है. और जब हम मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इमेज जो है वो उसकी बनती है और हम रे डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए. जैसे कि ये देखें,
ये मिरर इसके एक साइड का वो मेटल सरफेस के, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मीन्स कोई भी माल वगैरह कप रखा हुआ है और हम अपनी देखने हैं जो हमारी आज में रेस जा रही है उसे हम देखने हैं, फिर इसकी इमेज बनी है वो हम क्लियरली देख सकते हैं उस साइड से। उसकी ये देखें इधर भी ऑब्जेक्ट का सेम शेप और साइज है और इधर भी उसका सेम शेप और साइज है, इसी तरह उस ऑब्जेक्ट की शेप जिनको भी हम प्लेन मिरर्स में देखेंगे सेम ही रहेगी और इक्वल डिस्टेंस होगा, जितना ऑब्जेक्ट का हमने मिरर से दूर रखा होगा उतना ही हमें क्लियर इमेज में भी उतना ही क्लियर डिस्टेंस नजर आ रहा होगा, जितनी दूर हमने ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज भी उतनी ही दूर बन रहा है और इमेज जो है वो अपराइट होगी पिक्चर होगी इसका सीधी होगी और रियल होगी, और जैसे कि हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे मिरर के सामने से वो इमेज भी रिमूव हो जाएगी और वो इन्वर्टेड भी हो सकती है मीन्स के एक साइड जो है वो लेफ्ट साइड पे अपेयर हो रही है तो दूसरी जो है वो राइट साइड पे अपेयर होती है, ऐसे हमें मोस्टली लगता है कि हम जो है हमारा अगर अक्सर आप देखें अगर आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं मिरर के सामने तो आपको लगता है कि आप उल्टे हाथ से काम कर रहे हैं, ऐसा होता है कि वो इमेज आपको इन्वर्टेड भी नजर आ सकती है और ये जो इमेज फॉर्मेशन है मिरर्स की ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करती हैं और ये पिन होल कैमरा से इसकी स्टडी की गई है और हम अपने पिन होल कैमरा को स्टडी करते हैं, पिन होल कैमरा की हम स्टडी करेंगे उसके अलावा आपने डायरी में पेज नंबर 65 के आपका जो सेकंड चैप्टर है सिलेबस में उसमें मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस जो है वो आपने याद करना है।